के लिए। तो एक तरफ देश में नए मोबाइल बेचने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से करीब 2.5 करोड़ मोबाइल ठीक होने का रास्ता देख रहे हैं। लॉकडाउन में सर्विस सेंटर बंद होने की वजह से खराब मोबाइल ठीक नहीं हो पा रहे हैं और मई के आखिर तक इनकी तादाद करीब 4 करोड़ तक पहुंच सकती है। मोबाइल खराब होने के चलते बहुत से ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं जो जरूरी सेवाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, कितनी गंभीर है ये समस्या, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंडियन सेलुलर और मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका पंकज जी CNBC आवाज पर। तो फिलहाल जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल खरीदने की बात हो या रिपेयर करने की बात हो खासतौर से, ये कितनी गंभीर है? शुक्रिया कविता जी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था उसमें तो सारा कंट्री बिल्कुल लॉकडाउन था, तो ये बहुत एसेंशियल मालूम है। आज अगर आप किसी से एक डिपस्टिक करें कि क्या क्या एसेंशियल माना जाता है, तो मोबाइल को नंबर वन लोग कहेंगे, ओवर एंड अबाव इवन एग्स एंड मिल्क एंड यू नो चिकन आल्सो। 1 मई के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है, जो कि ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का कारोबार फिर से शुरू हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत। बट जो रेड जोन्स हैं, जो कि मेन मार्केट्स हैं जो इंडिया की, जो 80% वैल्यू रेड जोन्स में मार्केट है, वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन ज्यादातर बंद है। ऑनलाइन बिल्कुल बंद है और ऑफलाइन ना मात्र 2 या 4% जो नेबरहुड दुकानें हैं वो कहीं कहीं खुली हैं सर, और रिपेयर जो है वो लार्जली बंद है। सो तो इससे बहुत बड़ा एक घातक इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्री पे और खासकर कंज्यूमर्स पे, जिनके पास तो एक्स्ट्रा मोबाइल हैं या जिनके एक स्पेयर मोबाइल था वो तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया, पर कईयों का डेटा रह गया है। और ये कविता जी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि करीब 850 मिलियन यानी कि 85-90 करोड़ मोबाइल इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल की अगर लाइफ अगर आप 3 साल लगाएं तो 1 महीने में ही इतना नंबर मोबाइल का है जो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया। और दूसरा जो इशू है वो है कि बहुत सारे जो मोबाइल पे जो यूसेज है वो बहुत ट्रेमेंडसली अप हो गई है, 30% से लेके 100% यूसेज जो है लोगों ने और बढ़ा दी। उसका बहुत ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है, जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सेविंग फैक्टर है कि लोग बाहर कम गए तो लोगों का मोबाइल खोया कम, गिरा कम, घर में लोग रहे हैं तो वो चीज बैलेंस होगी। बट ये नेचुरल एट्रिशन रेट है जो जिससे कि 2.5 करोड़ मोबाइल और अब ये 4 करोड़ मोबाइल तक पहुंचने वाले हैं, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों की परेशानियां भी इसके चलते बढ़ रही हैं। मोबाइल खराब है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है और जो आंकड़े दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मई तक जो है, मई के अंत तक ये आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच जाएगा। शुक्रिया पंकज जी हमसे जुड़कर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए और हमें जमीनी हकीकत बताने के लिए। हम आगे